भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को आज भी 35 साल बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। आज भी भोपाल में सामाजिक संस्थाएं न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। साथ ही उन तमाम पीड़ितों को जो मृत प्राप्त कर चुके हैं उनको श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ और आशा के साथ ही प्रदेश और केंद्र की सरकार तमाम पीड़ितों को उनके मामले प्रकरण न्यायालय में लंबित है उनको तत्काल न्याय दिलाएंगी। साथ ही यह गैस पीड़ितों को स्वस्थ के लिए जो भोपाल गैस राहत मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया गया है वहां पूरी तरह से डॉक्टर का अभाव है। इस मामले में पूर्व डीजीपी MW अंसारी का क्या है प्रतिक्रिया, सुनिए खबरें आज भी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, भोपाल गैस कांड के आज 35 साल गुजर चुके हैं और आज 36वां साल शुरू होने जा रहा है, आपको क्या लगता है गैस पीड़ितों के साथ क्या न्याय हो पाया है? देखिए, न्याय की बात हम बाद में करेंगे। मैं ये घटना, ये ट्रेजडी 1984 दो और तीन दिसंबर की दरवानी रात को घटित हुई थी, इसमें तमाम ऐसे परिवार जो पीड़ित थे जिनकी मृत्यु हो गई, मैं अपनी तरफ से बल्कि आपके तमाम मीडिया मैन की तरफ से कशिश आज भी खुलासा ETV के माध्यम से उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और अब मैं आपसे, आपके माध्यम से, मैं आज भी बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो न्याय मिलना चाहिए था पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, जो भी न्याय मिला वो कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के इंटरवेंशन से मिला और इसके लिए तमाम ढेर सारी संस्थाएँ जिसमें कि जब्बार साहब और रशीदा बी वगैरह की जो संस्थाएँ काम कर रही हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके माध्यम से, उनके इंटरवेंशन से, उनके लिए जद्दोजहद लड़ाई के बाद उनको मिला। दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं कहना जो चाहता हूँ कि गैस रात जो अपने हॉस्पिटल बना हुआ है आज जिस तरह से इक्विप होना चाहिए, आज भी उसकी जाकर देख लीजिए, हमें डॉक्टरों का अभाव है। सबके कार्ड बन गए हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाया। ओरिजिनल जो रिपोर्ट जो हुई राजीव गांधी की जो सरकार थी उसमें ये हुआ कि भाई ये 3000 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 1,00,000 लोग जो है प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोर्ट के माध्यम से जानकारी मिली तो उसमें हुआ कि लगभग 15,000 की मृत्यु हुई है और लगभग 5,00,000 प्रभावित हुए हैं। तो जो भी प्रभावित हुआ है उसको जो मुआवजा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। आज भी लोग जो है संघर्षरत हैं और ढेर से संस्थाएँ काम कर रही हैं और उस जो भी संस्थाएँ काम कर रही हैं उनको भी मैं, उनके हौसले को मैं दाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उनको न्याय जो प्रभावित को मिलना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है गैस कांड जो कहा जाए, ये बहुत बड़ा हादसा था। इस प्रकार की भविष्य में घटना घटित न हो। अब स्टेट गवर्नमेंट को और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे स्थानीय जो सरकार हो, जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ट्रांसलेशन कॉर्पोरेशन है या कंपनी है जो कि इन सच्चाई पर साइज बना रहे हैं, आज हर तरफ ये होड़ लगा हुआ है, आबादी लगातार बढ़ रही है और साथ साथ उनके रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बने और उसी के साथ साथ में फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री की भी बात हो रही है, लेकिन नेसेसरी प्रिकॉशन का भी होना बहुत जरूरी है। जितना जिस कदर पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो उसके कैंसर के पेशेंट्स और ढेर तरह के पेशेंट जो है लोग बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए भी उपाय होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि इस तरह के जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जो उत्थान हो रहा है, जो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बेमानी हो जाएगी। मैं एक बार फिर आपके और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम गैस पीड़ित जो परिवार है उनको अपनी संवेदना और जो मृत्यु प्राप्त की उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं। और मैं तमाम जो संघर्षरत जो समाज सेवी संस्थाएँ हों उनको बधाई देता हूँ कि सभी लोगों, सभी पुरुषों को न्याय दिलाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।